चैनल को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब बटन हिट करें। अगर आप हमारा एक भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। अब आपको हमारी हर अपडेट मिलती रहेगी। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ये पार्ट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आता है, तो रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री को कैसे अप्लाई करते हैं ये इस पोर्शन में सिखाया जाता है। इधर सपोज ये लेवल ग्राउंड है, सो ये हमारा नॉर्मल प्लेन है, इस पे अगर एक बिल्डिंग खड़ा है, कोई टावर, कोई पोल, एनीथिंग, ये हमेशा 90 डिग्री पे होगा। तो दिस थिंग वी मस्ट रिमेम्बर कि ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। सो सपोज आई एम स्टैंडिंग एट पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड, तो मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं और आई एम ट्राइंग टू लुक एट द बिल्डिंग का टॉप, सो आई एम ट्राइंग टू लुक ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, दिस इज माई नॉर्मल लाइन ऑफ साइट, सो इग्नोरिंग माई हाइट आई एम एग्जैक्टली ऑन द ग्राउंड। सो अगर मैं ऊपर देखता हूं तो मेरे को मुंडी ऊपर करना पड़ता है, तो ऊपर देखने के लिए मेरा मुंडी एलिवेट होता है, तो ये जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली अगर हम टॉप पे खड़ा है बिल्डिंग के पॉइंट बी पे, तो मेरा नॉर्मल लाइन ऑफ साइट ये है, ये वाला लाइन। सो अगर हम नीचे देखता है तो वैसा सिनेरियो में क्या होता है, मेरा मुंडी डिप्रेस होता है, सो ये जो एंगल फॉर्म होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन मेंशन किया है और हम लोग बिना ये बनाए डायरेक्टली ये बना दे तो हमारा मार्क्स कटेगा। ये ऑब्वियसली इजी है क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, लाइन तो पैरेलल ही होगा, मेरा नॉर्मल लाइन ऑफ साइट विल बी पैरेलल टू द ग्राउंड, तो वैसा सिनेरियो में ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। और जैसे ही हम लोग ट्राइंगल के अंदर आ जाएंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें थीटा तुमको शायद मालूम है और तुमको साइड्स का कोई रेशियो निकालना है, तो वो ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा। हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलास यूज कर सकते हैं। द शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन अ लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाई 10 मीटर वेन द ऑल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 35 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है डायग्राम, अगर डायग्राम राइट बनेगा तो सब कुछ राइट हो जाएगा। डायग्राम विल ऑलवेज बी ड्रॉन यूजिंग अ पेंसिल ओनली, तो सिर्फ पेंसिल का इस्तेमाल करना। ये मेरा लेवल ग्राउंड है, इस पे सपोजेडली मेरा ये टावर है, सो लेवल ग्राउंड पे हम लोगों का वर्टिकल टावर है। सपोज मेरा सन पहले यहां था, तो वैसा सिनेरियो में ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन था, अभी मेरा सन का एंगल ऑफ एलिवेशन डाउन हो गया, वो थोड़ा सा लोअर आ गया। सपोज पहले ऐसे ले लेते हैं, पहले हमारा सन यहां था, तो ये उसका शैडो बन रहा था, दिस वॉज द पार्ट ऑफ द शैडो, और अब मेरा सन यहां से यहां आ गया, तो मेरा शैडो का लेंथ इंक्रीज हो गया। ये इंक्रीज बोला है 10 मीटर है। ऑब्वियस सा बात है, जब तुम बिल्डिंग के ज्यादा पास रहोगे और बिल्डिंग को देखना होगा टॉप को, तो मुंडी ज्यादा ऊपर करना पड़ेगा। वही कंपैरेटिवली अगर तुम दूर रहोगे तो मुंडी थोड़ा कम नीचे करना पड़ेगा। तो ये एंगल मेरा 45 डिग्री है और ये एंगल मेरा 30 डिग्री है। ये बहुत ही ईजी है, जो बगल में होता है टावर के वो 40 बड़ा एंगल होता है और जो दूर में होता है वो छोटा एंगल होता है। इसको मार्क कर लेते हैं। सपोज ए बी सी और डी हम लोगों को गिवन है कि सी डी इज 10 मीटर, तो ले लेते हैं लेट बी सी इज इक्वल्स टू एक्स मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को पहला वाला ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं तो मेरे को मालूम है tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan टर्निंग परमानेंटली ब्लैक, इसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर दैट इज ए बी डिवाइडेड बाई बेस हो गया हमारा बी सी। सो विच इंप्लाइज tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ए बी हम लोगों को मालूम नहीं है, बाई x विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू ए बी, यहां पे लिख देना चाहिए tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1। बहुत ही अच्छा होता है, सब कुछ अच्छे से डिस्प्ले कर देना। नेक्स्ट बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी हम लोगों का tan 30 डिग्री है, मेनली tan ही काम आता है, परपेंडिकुलर और बेस का ही मेन रोल होता है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, 30 डिग्री दैट इज ए बी डिवाइडेड बाई बी डी विच इंप्लाइज tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू एक्स है डिवाइडेड बाई बी डी, बी डी इज बेसिकली ये एक्स है और ये टोटल 10 है, तो दैट इज एक्स प्लस 10 विच इंप्लाइज, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू √3x विच इंप्लाइज 10 इज इक्वल टू √3x माइनस एक्स विच इंप्लाइज 10 इज इक्वल टू √3 माइनस 1 बार में एक्स विच इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। हम लोग को √3 का वैल्यू मालूम है, अगर नहीं भी मालूम है तो तुम्हारे पास वो 4 फिगर टेबल होगा जिसको तुम देख के
आराम से वैल्यू निकाल सकते हो. रूट थ्री का वैल्यू होता है 1.732. अभी यहां पे अगर वैल्यू पुट करे तो मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा 0.732 से, विच इज कंप्लीटली नॉट अ रीजनेबल आइडिया. सो आई विल गो फॉर रैशनलाइजेशन. सो हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 10 बाई रूट थ्री माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट थ्री प्लस 1 बाई रूट थ्री प्लस 1. तो बाहर में आएगा 10, ऊपर में रूट थ्री प्लस 1, नीचे आएगा डिवाइडेड बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर. लिख देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट में 1.732 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1. यहां पे लिख देंगे रूट थ्री इज इक्वल टू 1.732, विच इज इक्वल टू 10 इंटू 2.732 डिवाइडेड बाई 2, विच इज इक्वल टू 2 को इससे काट लेते 1.366, विच इज इक्वल टू 13.66 मीटर. हम लोग को बोला ही था अप्रोक्स टू 2 डेसिमल प्लेसेस और लकीली 2 डेसिमल प्लेसेस ही आया है, तो बहुत इजीली हो गया. द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ए एंड बी एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ लाइट हाउस इज 60 मीटर हाई आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली. बोला है दोनों शिप ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लाइट हाउस में है, मतलब एक इस तरफ और दूसरा उस तरफ. तो सपोज ये मेरा लेवल ग्राउंड है और यहाँ पे मेरा लाइट हाउस है, तो अगर एक शिप इधर है और दूसरा शिप इधर है तो दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री. इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन टॉप, मेरा लाइन ऑफ साइट क्या है, ये. सो लॉजिकली ये एंगल 60 डिग्री है और ये 45 डिग्री, तो इसके इधर से हम लोग ये 60 डिग्री अचीव कर लेंगे और इसके इधर से 45 डिग्री. इसके लिए कुछ लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा. सो टावर सपोज ए बी है और ये सपोज सी डी हमारा डिस्टेंस है, यहाँ पे गिवन है 60 मीटर हाई. सो ये हमारा डायग्राम बन गया. अब दो ट्राइंगल है, पहला ये दूसरा ये. इन ट्राइंगल ए बी सी टैन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी परपेंडिकुलर बाई बेस, विच इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू 60 गिवेन है और बी सी नहीं मालूम, विच इंप्लाइज बी सी इज इक्वल टू 60 मीटर्स. यहां पे लिख देंगे टैन 45 डिग्री इक्वल्स टू 1. दूसरा हम लोग को ट्राइंगल ये लेना है. सो इन ट्राइंगल ए बी डी, इस वाले ट्राइंगल में लेंगे टैन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी बाई बी डी, सो विच इंप्लाइज टैन 60 डिग्री रूट थ्री होता है, तो रूट थ्री इज इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू 60 गिवेन है, बी डी हम लोग को मालूम नहीं. यहां पे लिख देंगे टैन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू रूट थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो बी डी इज इक्वल्स टू 60 बाई रूट थ्री. अभी यहां पे अगर रूट थ्री से डिवाइड करेंगे तो बहुत डिफिकल्टी आएगा, तो बेस्ट है रैशनलाइजेशन. रूट थ्री बाई रूट थ्री इज इक्वल्स टू 60 इंटू रूट थ्री बाई थ्री, थ्री से कटा 20. अगर यहां पे देखें हम लोग को ऐसे भी करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर बोला है, मतलब इसको वैल्यू पुट करना ही पड़ेगा. वैसे भी हाइट एंड डिस्टेंस और मेंसुरेशन में हमेशा रूट्स का वैल्यू सॉल्व करते हैं, डेसिमल्स में आंसर छोड़ते हैं. सो 20 इंटू 1.732 रूट थ्री इज इक्वल टू 1.732, विच इज इक्वल टू 34.64 मीटर्स. पर ये मेरा आंसर नहीं है, मेरे को क्वेश्चन में आंसर क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स दैट इज सी डी. सो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज इक्वल्स टू सी डी दैट इज इक्वल्स टू बी सी प्लस बी डी. बी सी का वैल्यू आया मेरा 60 प्लस 34.64 That is equals to 94.64 meters, जिसको राउंड ऑफ करेंगे so 95 meters. A vertical pole and a vertical tower are on the same ground. From the top of the pole, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree and the angle of depression of the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower if the height of the pole is 20 meter. बहुत obvious है, pole से तो बड़ा ही होगा tower, but ये लोग वैसे भी बता दिया कि pole के top से अगर tower के top को देखे तो angle of elevation बनता है, मतलब मुंडी ऊपर करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली टावर बड़ा है. तो इफ दिस इज माई पोल एंड दिस इज माई टावर,
तो अगर हम यहाँ पे पोल के टॉप पे खड़ा है तो ये मेरा नॉर्मल लाइन ऑफ साइट है, यहां से अगर मैं मुंडी ऊपर करूंगा तो ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा जो कि हम लोग को गिवन है 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, ये होता है फुट ऑफ द टावर, मतलब यहीं से अगर मैं टावर के फुट पे देखूंगा तो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा 30 डिग्री, ये ऑब्वियसली 90 डिग्री है। ठीक, हम लोग को गिवन है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इफ द हाइट ऑफ द पोल इज 20 मीटर, पोल का हाइट 20 मीटर गिवन है। सो ऐसे केस में ए बी सी डी इसको पॉइंट ई मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सो ये मेरे को पता है ईडी और ए बी बराबर होगा तो इसको भी 20 लिख लेते हैं। यहां पे ऊपर वाले ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए बी सॉरी ए सी ई टैन 60 इज इक्वल्स टू ये परपेंडिकुलर ये बेस, सो सीई डिवाइडेड बाय एई विच इंप्लाइज रूट 3 इज इक्वल्स टू सीई बाय एई विच इंप्लाइज एई इज इक्वल्स टू सीई बाय रूट 3। ठीक है, तो हम लोग एई का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए क्योंकि अगले वाले ट्राइंगल में भी मेरे को जरूरत पड़ेगा। जस्ट इन केस तुमको लगता है नहीं शायद सीई करना चाहिए, थोड़ा सा गैप छोड़ दो और फिर सम करो ताकि तुम बीच में कुछ एडिटिंग कर पाओ। नेक्स्ट ट्राइंगल इन ट्राइंगल, अभी जनरली हम लोग इसको इसमें ट्रांसफर करते हैं पर यहाँ पे 90 डिग्री है ही, ये हम लोग को गिवन है ही तो कोई दिक्कत तो है नहीं, हम लोग डायरेक्टली डील कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ए ई डी इधर टैन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ये परपेंडिकुलर है ये थीटा है तो इसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होएगा, ये हमारा हाइपोटेनस है और जो बच गया वो बेस है, तो tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज DE डिवाइडेड बाय बेस दैट इज AE व्हिच इंप्लाइज tan 30 होता है 1/√3 इनटू AE इज इक्वल्स टू DE, DE का वैल्यू 20 हम लोग को पता है, AE का वैल्यू है CE बाय रूट थ्री, सो 1/√3 इनटू CE बाय रूट थ्री इज इक्वल्स टू 20, रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3 होता है तो CE इज इक्वल्स टू 20 इंटू 3 दैट इज 60 मीटर्स। मेरे को पूछा है हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल्स टू सीडी, सीडी क्या है सीई प्लस ईडी, सीई का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया 60 मीटर्स प्लस ईडी हम लोग का 20 मीटर्स सो दैट इज 80 मीटर्स। दिस इज इट, सो दिस इज ऑल अबाउट हाइट्स एंड डिस्टेंसेस।